हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ जुरासिक पार्क से डायनासोर का टॉय, जो कि है रिमोट कंट्रोल में फॉरवर्ड ऑटो कंट्रोल, फिर थ्री फ्रीक्वेंसी मोड इसमें आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आज मैं दिखाता हूँ कौन सा है डायनासोर। यहाँ पे देखिए, जो आईज है उसमें लाइट होगी, ये इसका सिर है वो अप डाउन होगा, इंफ्रारेड कंट्रोल है। यहाँ पे रियल डायनासोर का फोटो दिया गया, यहाँ लिखा है जुरासिक डिस्कवर द नेचर एंड प्रोटेक्ट अवर एनिमल्स, ये सब यहाँ पे लिखा गया है। थ्री फ्रीक्वेंसी मोड यहाँ पे है इसके। यहाँ पे सब कुछ टी रेक्स न्यू वर्ल्ड, कुछ डायनासोर के बारे में कुछ इतिहास लिखा है यहाँ पे। और यहाँ पे डायनासोर में बैटरी कैसे डालना है हमें, ये रिचार्जेबल बैटरी इसमें नहीं आती है। ये जो डायनासोर में छोटी बैटरी आती है वो तीन बैटरी लगती है, और रिमोट में दो बैटरी लगती है। यहाँ पे रिमोट में थ्री फ्रीक्वेंसी वाला बटन है, ऑटो परफॉर्मेंस वाला बटन है, और फॉरवर्ड वाला बटन है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी रिचार्जेबल बैटरी रिमोट में नहीं और डायनासोर में भी नहीं आती है। यहाँ पे देखिए तो इसका 360 डिग्री लुक लेने के लिए फ़ोटो दिया गया है। यहाँ पे वार्निंग वगैरह सब दिया गया। तो चलिए दोस्तों, ये बॉक्स में से डायनासोर को निकाल के चेक करते कैसे वर्क करता है, कैसी क्वालिटी है, क्या प्राइस है, और कहाँ से आपको ये मिलेगा, वो सब हम ये वीडियो में दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो देखते रहे। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों डायनासोर को रख देते हैं। डायनासोर को यहाँ से बॉक्स में से इसको ओपन करके देखते हैं। बॉक्स को यहाँ से कटर की मदद से मैं खोल देता हूँ, ये तो ओपन ही है। तो बॉक्स में से दोस्तों, जब तक ये डायनासोर बाहर आ जाए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बॉक्स में और कुछ है नहीं यहाँ पे, ये हमारा डायनासोर आ गया। यहाँ से ये लॉक को मैं तोड़ देता हूँ, साइड से तोड़ना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये आ गया हमारा छोटा सा नन्हा सा डायनासोर। यहाँ पे आती है इसकी रिचार्जेबल बैटरी, ये बोल्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे बैटरी डालनी है यहाँ से। और ये आ गया रिमोट, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का छोटा सा रिमोट है। रिमोट के ऊपर दो लाइट दी गई, और यहाँ पे इसकी ये लाइट एक किसके लिए दिए गए, सेंसर होगा। यहाँ पे इसके फ्रीक्वेंसी कुछ है, वो भी मुझे उसमें मालूम नहीं पड़ा, मैंने काफ़ी देर तक इसको ट्राई किया, बट यहाँ पे रखते तभी ये कनेक्ट होता है कुछ। अभी यहाँ से मैं डायनासोर को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए, जैसे ही ऑन करेंगे तो पूरा इसमें म्यूजिक बजेगा, और इसकी मदद से ये पहले फ्रीक्वेंसी वाला बटन यहाँ हमें रखना है, ये पहले आगे करना है। देखिए, ये प्रेस करके रखना है तो ऐसे आगे चलेगा। अभी स्मूथ सरफेस में रखना पड़ेगा इसको। खाली हिल ही रहा, आगे तो जा नहीं रहा है। अभी वो ये वाला बटन है ऑटो मोड है, ये बटन को प्रेस करके रख देते। देखिए ऑटो मोड पे वर्क कर रहा है अभी ये। डायनासोर हिल तो रहा ही नहीं, एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं रहा है, और कभी कभी ये क्या फ्रीक्वेंसी इसका छोड़ देते हैं। यहाँ पे इसका आता है स्पीकर आता है। देखिए, इसका सिर भी अप डाउन होता है, ये हाथ भी हिल रहे और ये पैर भी आगे पीछे होते हैं। तो थोड़ा डरावना से, छोटे बच्चे इससे डर सकते हैं। देखिए, ये जो इसका है वो ये पार्ट है, शार्प नहीं है, स्मूथ ही है, ऐसे लगने का कोई चांस है नहीं यहाँ पे। और इसकी मदद से ये देखिए, यहाँ पे व्हील्स है छोटे छोटे, इसकी मदद से आगे जाएगा, बट इतना स्पीड से आगे नहीं जा रहा। अभी यहाँ से मैं बॉक्स के ऊपर रखता हूँ, बॉक्स के ऊपर देखते कि कैसे चलता है। पूछ में रखते हैं, देखिए इतने इतना स्लोली स्लोली आगे जा रहा है। भी यहाँ से गिरेगा, देखिए यहाँ से गिर गया है। तो बैटरी का कोई इश्यू नहीं है, डायनासोर की स्पीड ही इतनी है, तो इतनी स्पीड से ही चल रहा है, ये ऑटो मोड में काफ़ी देर से वर्क कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, डायनासोर को थोड़ा मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। स्पीड तो इतनी ज़्यादा है नहीं, बट मैं इसका साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ।
ऑटो वाला बटन प्रेस करो। यहाँ पे दोस्तों डायनासोर और आरसी कार की रेस तो नहीं लगा पाएगी, बट लगाते हैं दोनों की फाइटिंग। आ जाइए रेसिंग में, तो ये कार इसको हरा पाएगी क्योंकि एक ही जगह खेल रहा है सब। यहाँ से डायनासोर को ऑन करना पड़ेगा, डायनासोर को कर दिया ऑन, ये कार भी ऑन है। दोनों को आगे लेते हैं, डायनासोर आगे हिल रहा है, देखिए आगे आ रहा है धीरे धीरे। देखिए डायनासोर को एकदम पीछे धकेल दिया है कार ने। एक और बार गो। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायनासोर को एक और बार को ऊपर कर दिया है। एक और बार गिराने में कामयाब करना है इसको, नहीं हो रही है। एकदम सामने गिरा दिया है। अभी ये कार को ये डायनासोर ड्राइव करेगा। यहाँ पे डायनासोर को मैं फंसा देता हूँ, अभी कार को चलाते हैं। देखिए अभी डायनासोर की स्पीड मैंने 3 गुना कर दी है। यहाँ पे कार को टक्कर लगाते हैं। ये देखिए डायनासोर का पिछला हिस्सा नीचे आ गया, ये कार भी पत्थर में फंस गई है। इसको रोड पे रखना पड़ेगा। यहाँ से डायनासोर को लेके ये कार रोटेट कर रही है पूरी। टक्कर नहीं लग रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों ये डायनासोर आपको कैसा लगा वो मैं कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा और परचेस करना हो तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकेंगे। दोस्तों इसकी मैं बात करूँ तो स्पीड काफ़ी स्लो है दोस्तों, फंक्शन वाइज काफ़ी बढ़िया है, स्मूथ सर्फेस में ही चलेगा और थोड़ी बहुत 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 ज़्यादा कम स्पीड है इसकी। इसकी प्राइस की बात करूँ तो मैंने 900 रुपये में इसको परचेस किया था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा और परचेस करना हो तो इसकी लिंक में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही टॉयज के वीडियो हम आपके लिए लाते रहे दोस्तों।